क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x plus 2y बराबर 10। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 को यहाँ पक्षांतर करेंगे, बराबर किस बार लेके आएंगे तो माइनस होगा, x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर का 0। वैसे ही इस 10 को बराबर किस बार लेके आना है, इसको जैसे का वैसा लिखना है, इसको इस बार लेके आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आगे होगा 2x minus 2y minus 10 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तुलना करने पर a1x plus b1y plus c1 बराबर का 0, a2x plus b2y plus c2 बराबर का 0। समीकरण एक की तुलना इस समीकरण से करना है। देखो x है तो यहाँ भी x, तो a1 बराबर हो जाएगा, a1 बराबर होगा 1 और b1 बराबर होगा 1 और c1 बराबर होगा -5। वैसे ही समीकरण नंबर 2 की तुलना इससे करना है, तो a2 बराबर 2 होगा और b2 बराबर -2 होगा और c2 बराबर -10 होगा -10 होगा। a1 बटे a2 1/2 होगा, a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। वैसे ही b1 बटे b2 b1 का मान 1 है b2 का मान -2 है। वैसे ही c1 का मान -5 है और c2 का मान -10 है और माइनस से माइनस कैंसिल और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 1/2 होगा। आगे अब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, अतः युग्म संगत होती है। ग्राफी विधि से हल करना है। तो इस समीकरण नंबर 1 को लेना है, समीकरण नंबर 1 लेंगे तो हो जाएगा x plus y minus 5 बराबर का 0, x plus y बराबर का 5, पक्षांतर करके उस पार लेना है, -5 को पक्षांतर करके उस पार लेके जाना है, तो ऐसा आ गया। अब यहाँ पे y बराबर 5 minus x हो जाएगा। इधर पे x का मान रखना है, यहाँ y का मान रखना है और आगे हल करना है। इधर मिटा देते हैं। माना x बराबर जीरो रखने पर x का मान 0 रखने पर, तो समीकरण नंबर तीन से ये हो जाएगा y बराबर 5 minus 0, तो y बराबर 5, y का मान 5 निकल के आ रहा है। फिर x माना
माना x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से y बराबर 5 माइनस 5, तो y बराबर 5 से 5 कैंसिल, 0, y बराबर 0, x का मान 5 माने तो y का मान 0 आया। अब है समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, बराबर 10 पक्षांतर करके उस पर लेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 2y बराबर, अब 2x को पक्षांतर करके उस पार लेना है तो 10 माइनस 2x हो जाएगा, और y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2 हो जाएगा। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 बोलेंगे इसको, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 बोलेंगे, यहाँ पे भी एक इधर x का मान लिख लेंगे, इधर y का मान, माना माना x बराबर 0 रखने पर समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुणित 0 बटे का 2, y बराबर इधर ये 0 हो गया, 2 गुणित 0 0 हो गया, ये 10 बटे 2 हो जाएगा, तो y बराबर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, मतलब 5 आ गया। x का मान 0 रखने पर y का मान 5 आ रहा है। अब माना x का मान 5 रखने पर, माना x बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 2 गुणित 5 बटे 2, ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 10 बटे 2, इधर हो जाएगा 0 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 0, y बराबर 0, यहाँ 5 रखे x का मान तो y का मान 0। अब ग्राफ खींचा जा सकता है, इसका भी ग्राफ खींचा जा सकता है। ये था पहला सवाल, अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है एक्स माइनस वाई बराबर 8, एक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर, 3x माइनस 3y बराबर, 3x माइनस 3y बराबर 16। आगे आगे हल कर लेंगे, आगे क्या होगा, x माइनस वाई इसको पक्षांतर करके लेके आना है, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर का 0, वैसे ही 16 को पक्षांतर करके इस बार लेके आना है, इसको बना लेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तुलना करेंगे तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर का 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर का 0, तो ये हो जाएगा, यहाँ तुलना करना है समीकरण नंबर 1 और 3 का और समीकरण नंबर 4 का, समीकरण नंबर 1 और 3 की तुलना करना है, x है यहाँ भी x है, तो a1 बराबर 1 होगा, a1 बराबर 1 होगा, b1 बराबर माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा, और c1 बराबर माइनस 8 होगा, माइनस 8 होगा, वैसे ही a2 बराबर 3 होगा, a2 बराबर 3 होगा, और
बी टू बराबर -3 होगा, -3 होगा, और C2 बराबर -16 होगा। आगे ए वन बटे ए टू मतलब A1 का मान 1 है और A2 का मान 3 है, तो 1/3 होगा। वैसे ही B1 बटे B2 बराबर B1 का मान -1 है, अरे B2 का मान -3, -1/-3 -3 बराबर 1/3 होगा। C1 बटे C2 बराबर -8 C1 का मान, और C2 का मान है -16, -16 माइनस से माइनस कैंसिल, 8 का मान 8 × 16 बराबर 1/2 होगा, 1/2 होगा। अतः A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। अतः दोनों रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी, अतः दोनों रेखाएं समांतर होती है, और समीकरण का योग असंगत होता है। समीकरण का योग असंगत होता है। थैंक यू वेरी मच।